नमस्कार, मैं पीएम डीएनए सिंह और आप देख रहे हैं कमाल है यार। इस वक्त की यहाँ पे नेपाल और नेपाल की फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत ही गर्व करने वाली खबर निकल कर सामने आ रही है। जी हाँ दोस्तों, नेपाल की एक एक्टर्स जो काम करेंगी हॉलीवुड में, यानी कि एक छोटे से देश की लड़की कहें या फिर एक छोटी सी इंडस्ट्री की लड़की कहें, जो कि हॉलीवुड जितने बड़े प्लेटफॉर्म पर काम करेंगी। कौन है ये लड़की और इसके अलावा कौन सी फिल्म में ये काम करने वाली हैं आगे, इन सभी की चर्चा हम करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और अगर आप चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, नेपाल के लोग प्रत्येक क्षेत्र में आगे आ रहे हैं ऐसा देखने को मिल रहा है। कौन सा भी क्षेत्र हो, चाहे वो साइंस का क्षेत्र हो, चाहे वो पर्यावरण का क्षेत्र हो और चाहे वो खेल का क्षेत्र हो, सभी क्षेत्र में अपनी भूमिका निभा रहे नेपाल के लोग नेपाल का नाम बखूबी रोशन कर रहे हैं और अपने नेपाल के लिए आगे बढ़ रहे हैं और जी जान से मेहनत कर रहे हैं। जहां पे गोरखा अपनी सैन्य बलों के कारण पहचाने जाते हैं, वहीं पे नेपाली कई युवक जो कि बग निकाल कर अपने देश का नाम रोशन कर रहे हैं, जबकि कई कंपनियों को भी सहारा दे रहे हैं। इसी के बीच में ये खबर आई कि हॉलीवुड फिल्म में नजर आएगी नेपाली मॉडल अंजलि लामा। बॉलीवुड की जैकलिन फर्नांडिस ने भी फिल्म की शुरुआत की थी। जहां पे हम बात करें हॉलीवुड में अपनी शुरुआत करने के लिए, नेपाली ट्रांजैक्शन मॉडल अंजलि लामा हॉलीवुड एथोलॉजी वुमेन स्टोरीज में आने के लिए पूरी तरह तैयार हो गई हैं, जिनका अब साथ देने के लिए जैकलिन फर्नांडिस ने भी अपनी फिल्म हॉलीवुड में शुरुआत कर दी है और दोनों एक साथ मिलकर काम करने की बात की जा रही है। बॉलीवुड स्टार जैकलिन फर्नांडिस फिल्म निर्माता लीन यादव के साथ यहां पे सेगमेंट शेयरिंग एंड ए राइड में फिल्म के साथ अपनी शुरुआत कर रही हैं। वहीं पे अगर बात करें अंजलि लामा की, तो उसी सेगमेंट में यहां पे हिस्सा ले रही हैं अंजलि लामा। यादव को प्रचंड शब्द के तीन पत्ती जैसे फिल्मों का श्रेय जाता है और वो अब ये यहां पे नई फिल्म ले रहे हैं जिसमें दुनिया भर की कई महिलाओं को शामिल किया गया है। इसी के बीच में नेपाल की अंजलि लामा भी शामिल हैं और वो इसके लिए पूरी तैयारी कर रही हैं। वो बताती हैं कि मुझे इसमें मौका मिला है वो बहुत बड़ी बात है और मैं चाहूंगी कि मैं अपना 100% करके इस फिल्म को दूं, जिससे कि मुझे आगे आने वाले दिनों में और बढ़िया काम मिले और बड़ी फिल्मों में आने का मौका मिले। फिल्म में कारा डेलिविंग और ईवा लोगोरिया, इसके अलावा मार्गेटिया बोया और मार्शिया के हार्डन और लियो वोर वोलर जैसे लोकप्रिय नाम नजर आएंगे, जिसमें से यहाँ पे अगर बात करें तो अंजलि लामा को इन सभी से मिलने का भी मौका मिलेगा और इतने बड़े नामी हस्तियों से मिलकर अंजलि लामा का यहाँ पे ना केवल भविष्य सिक्योर हो रहा है, जबकि अंजलि लामा के साथ साथ नेपाल भी सुर्खियों में आ जाएगा। 6 खंडों वाली इस फिल्म में सभी महिला कलाकार होंगी और इसे दुनिया भर में महिला निर्देशकों द्वारा निर्देशित किया जाएगा। इसी के साथ साथ अंजलि लामा का यह कहना है कि यह मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस रहेगा हॉलीवुड इंडस्ट्री में, और जो कि बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, जो कि एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है मेरे लिए और मेरे आगे यहाँ पे सेलिब्रिटी या फिर स्टार बनने के लिए बहुत बड़ा मौका मिला है। दोस्तों, मैं भी देना चाहूंगा बधाई यहाँ पे अंजलि लामा को और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना भी करना चाहूंगा। आपका क्या मानना है, अपने विचार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए हमें। चलिए आज के लिए इतना ही, आगे भी अगर नया कोई टॉपिक मिलता है तो फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा ताकि लोगों को पता चल सके, और अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।